अस्सलाम वालेकुम नाजीन, आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ जेके का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाजीन अभी यहाँ मौजूद है बटा मालू सल्फिया कॉलोनी में। यहाँ पे कुछ लेडीज जो है एहतजाज करने बाहर निकली। ऐसा क्या हुआ कि लेडीज को जो है सड़क पे आना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल तो क्या प्रॉब्लम है? आप प्रॉब्लम गए वो पंच वरी आप टोटली यो पाका कहें पत् करो जार पारा अस दौ गाड़ दिख सो तथा दिवान अठन दिन चौन दिन त्रा अठन दिन थाना आब आप क्या दलील गवर्नमेंट कर्ज कारण डेबरान फोन अस सा आब तील कर फीस भरान अगर अस फीस वातान बिल वल सा दी सा फीस मीटर लगे तथा सन अनिक सख्ती यह सख्ती करो बर्दाश मगर शुरन क्या करो आबस क्या करो शुरू शुरन वो दौर शुरन सकूल गसनस अस क्या छलो छोक तुम तम क्या वर्दी दू तुम सकूल मन कड़ पे वर्त कड़ अके घर मज बार शुगर पेशेंट हार्ट पेशेंट कूत टाइम वो तो ये सख्ती वो पंच वो वरी वो वरी वो पंच वरी वो पंच वरी गए अच्छे दुह वह नापर यप नर्सन अर तूत यह कहन अंदन धरने दी सड़क पे ट्राई सक्रेट गई रख चौक पे ट्राई नवाज बन आपको ये लाइव हम सल्फिया कॉलोनी बटामालू से दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि पानी की सख्त प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लाइव हम आपको बटामालू से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइव आपको हम सल्फिया कॉलोनी से दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि 20 सालों से ये परेशान है पानी के लिए। इनका कहना है कि हम कतरा कतरा उठाते हैं पानी पीने के लिए। अगर ये इनका ये भी कहना है अगर अल्लाह बचाए कोई इनके घर में गुजर जाए तो उनको गुस्ल देने के लिए भी इनके पास पानी नहीं है। आपको हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं और लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बटा मालू से। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लेडीज जो है बाहर सड़क पे निकली है पानी के बगैर। इनका कहना है कि पानी के बगैर हमारी जो लाइफ है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि सब जानते हैं पानी जो है ये जिंदगी में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनके पास 20 सालों से जो पानी की काफी ज्यादा कमी देखी थी। नाजरीन आप ये बटामालू सल्फिया कॉलोनी से देख रहे हैं कि ये एहतजाज करने सड़क पे निकले हैं। इनका कहना है कि 30 सालों से जो है इनको पानी की कमी यहाँ पे जो है वो कोई भी पूरी नहीं कर रहा है। इनका कहना है कि अगर हमें पानी भी मिल रहा है लेकिन वो वहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है और पानी नहीं दे सकते, या गवर्नमेंट को कर्जा है कि गवर्नमेंट जो है और पानी आपको पानी की सप्लाई नहीं दे सकता है। मजीद हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नफरा तम टंकी नजर दोपन बस बस कर सुबह तान गई उमरा वह मे तूर वात सह नोन वो फोन तेज हेल मे आब मे तो नाजरीन इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन तब यहाँ पे आई है जब इनकी बेटी जो है वो छोटी थी। इनका कहना है कि अब वो शादी के लिए भी बड़ी हो गई, अब तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। आप देख सकते हैं लेडीज जो है अगर देखा जाए जेंट्स में और लेडीज में कितना फर्क होता है, लेकिन लेडीज जो है ये सड़क पे आ पहुंची है पानी के लिए। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी हमने देखी, स्मार्ट सिटी कहते हैं कि नया कश्मीर आया है, नया कश्मीर बन गया है, लेकिन पुरानी जो प्रॉब्लम्स है वो वही के वही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं अपनी कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो आपको दिखाए किस तरह से यहाँ पे जो है लोग जमा हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे ये परेशान हो चुके हैं। आप लाइव बटामालू सल्फिया कॉलोनी से देख रहे हैं। सल्फिया कॉलोनी गली नंबर 2 दादरखा बटामालू। तो नाजरीन आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लोग परेशान है। ये आप हमसे गुजारिश करें कि आप आके देख लीजिए कि हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये लाइव जो है आप बटामालू सल्फिया कॉलोनी से देख रहे हैं। तो
आप देख सकते हैं किस तरह से ये परेशान है, किस तरह से ये सड़कों पे निकले हैं। इनका कहना है खाना पीना हम भूल चुके हैं इस वजह से कि पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हमें नजर आता है। अगर पानी हमें दिया भी जा रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा सा कतरा कतरा लेना पड़ रहा है, पीना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं टंकियां यहाँ पे है, कितनी सूखी पड़ी है। आप देखो, अगर हम मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो आपको दिखाए, इनमें पानी का कतरा भी मौजूद नहीं है। आप ये लाइव बटा मालो सल्फिया कॉलोनी से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एहतजाज सुबह से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये एहतजाज ही कर रहे हैं। आप मुझे बोलिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करते हैं? बस पानी चाहिए नलकों में, नलकन मज गोस आब आस गोस नलकन आब यह पेट बोत वन दो गो वा विकस वन अब दह दह वो दह शुर सकूल गोजो कहीं स्मार्ट स्मार्ट सिटी अगर दिवो स्मार्ट सिटी बनो तुम सान से शूब अगर गो इत माल हे तौर स्मार्ट सिटी। चलो शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो है लोग परेशान है। ये बेचारे जो है एक हिसाब से रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि इनका कहना है कि 30 सालों से जो है हम बस यही फरियाद करते हैं कि पानी हमें मिलना चाहिए, क्या हमें पानी के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। अगर ना मुश्किल करे खाल कहीं कड़ो शुरी बस दिवो सकार चाहे तुम रोज चाहे रोजो। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा इनका कहना है कि अगर इनको पानी का जो मसला है वो हल नहीं किया गया तो ये सेक्रेट में जाके वहां पे धरना करेंगे और सड़क पे आएंगे सारे। इनका कहना है कि हम सारे सड़क पे आएंगे और वहीं पे जो है धरना करेंगे। तो मजीद हम आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि इनका जो ये पानी का मसला है ये हल किया जाए। आपको जो हमें लाइव दिखा रहे थे ये सल्फिया कॉलोनी बटामालू से दिखा रहे थे, आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे सुबह से जो है एहतजाज शुरू हुआ है, अभी तक ये बेचारे सड़क पे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे आए और इनका जो मसला है वो हल करें। मजीद ऐसी अपडेट्स देखने के अलावा आप बने रहे द कैंसल जीके के साथ।